नमस्ते, मैं रजत हूं और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। सीएए को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट हुए, हिंसा भी हुई, कई लोगों की जान भी गई। ऐसे में मुआवजे का ऐलान भी हुआ। कहां? कर्नाटक में 19 दिसंबर को पुलिस फायरिंग में दो लोगों की मौत हुई थी। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 22 दिसंबर को मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन अब उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। बुधवार को यह फैसला लिया गया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दक्षिण कन्नड़ा जिले के सीनियर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग के बाद येदियुरप्पा ने कहा, हमने पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने पर फैसला नहीं किया है, क्योंकि अपराधियों को मुआवजा देना अपने आप में अक्षम्य अपराध है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और उनका रोल साफ नहीं हो जाता, हम कोई भी फंड रिलीज नहीं करेंगे। इससे पहले येदियुरप्पा ने मंगलुरु प्रशासन से दोनों परिवारों के लिए घर बनाने पर विचार करने को कहा था। इस पूरे मामले पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया भी येदियुरप्पा पर बरस पड़े हैं। उन्होंने ट्वीट किया, कहा, एक चुनी हुई सरकार को अमानवीय और क्रूर तरीके से सांप्रदायिक नहीं हो जाना चाहिए। मंगलुरु दंगों में जान गंवाने वालों को मुआवजा न देकर येदियुरप्पा ने जांच पूरी होने से पहले ही अपना फैसला दे दिया है। चूंकि येदियुरप्पा ने ही पहले अपना फैसला सुना दिया है कि पुलिस फायरिंग में मारे गए लोग ही दंगों के लिए जिम्मेदार थे, तो सीआईडी जांच का नाटक क्यों? जांच रोक दीजिए, यह साफ है कि आप ही हैं जिसने पुलिस को जान लेने के आदेश दिए थे। दरअसल अब्दुल जलील और नौशीन कुद्रोली की कथित तौर पर पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। दोनों उन 29 लोगों में शामिल हैं जिनका नाम मंगलुरु नॉर्थ पुलिस की एफआईआर में दर्ज है। मंगलुरु पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक 1500 से 2000 लोगों ने निषेध आज्ञा का उल्लंघन किया था और पुलिस स्टेशन के पास जमा हो गए थे, पत्थर फेंके थे और पुलिस के निर्देश के बावजूद भी वो वहां से नहीं हटे थे। कहा गया है कि हवाई फायर के बावजूद जब भीड़ नहीं हटी तो पुलिस ने फायरिंग का सहारा लिया। राज्य सरकार ने इसके लिए सीआईडी जांच और मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा की है। 24 दिसंबर को भाजपा विधायक वासनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने येदियुरप्पा से मांग की थी कि वो इन दो परिवारों का मुआवजा खारिज कर दें। यत्नाल ने मरने वाले दोनों शख्स को एंटी नेशनल बोला था। उन्होंने कहा था कि केवल देशभक्तों और गाय की रक्षा करने वालों को ही मुआवजा देना चाहिए, न कि उनको जो प्रदर्शन में शामिल थे। दी ललन टॉप के लिए स्टोरी निशांत ने की है और इस मुद्दे पर सियासत अभी चल रही है, मामला ये गरमा रहा है। इस पर जो भी अपडेट होगा दी ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए dlalantop.com। शुक्रिया।